हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप पावर शेल की हेल्प से नेटवर्क इंटरफेस को कैसे इनेबल और डिसेबल करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस को मैंने इनेबल डिसेबल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हम नेटवर्क अडेप्टर को करेंगे, ठीक है। नेटवर्क अडेप्टर को ही नेटवर्क इंटरफेस जो है कहा जाता है। तो मैं अपने केस में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास वाईफाई ऑन है और यहाँ पे जो है इसकी SSIDs जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो देखिए शो नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने ऑन ऑफ़ किया है, इसको डिसेबल नहीं किया है, इतना याद रखिए। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँगा तो यहाँ से ऑप्शन जो है गायब हो जाएगा। तो डिसेबल कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को पावर शेल को ओपन करना है। लेकिन फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा, पावर शेल को आपको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके ही रन करना है, तभी जो कमांड्स जो है ये एग्जीक्यूट होंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर टर्मिनल को जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ इसका, जिससे कि आपको ईजिली जो है विजिबल हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल्ड है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, गेट लिखेंगे नेट अडेप्टर। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने जो है इसकी लिस्ट आ जाएगी कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से नेटवर्क अडेप्टर इंस्टॉल्ड है। जैसे कि इसका नेम आ गया, इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन आ गया, IF इंडेक्स आ गया, स्टेटस आ गया, मैक एड्रेस और इसकी लिंक स्पीड, सारी डिटेल्स जो है इसने बता दी। जिसके आगे यहाँ पे V शो कर रहा है, इसका मतलब ये वर्चुअली इंस्टॉल्ड है, यानी किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी सारे ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ये फिजिकल है, आपको ऐसे पहचानना है। तो चलिए हमारे केस में तो अभी ये ऑन है यानी इनेबल है। अब मैं इसको पहले डिसेबल करके दिखाता हूँ आपको। तो डिसेबल करने के लिए कमांड है डिसेबल, क्योंकि फ्रेंड्स कमांड को समझना जरूरी है, हमें डिसेबल क्या करना है नेटवर्क अडेप्टर को। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे नेट अडेप्टर, आगे डिसेबल के आगे नेट अडेप्टर, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को इसका नेम बताना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे नेम में ही फाइंड करेगा। तो नेम है वाईफाई, आप अपने केस में कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नेटवर्क इंटरफेस नेम हो, तो वाईफाई। अब मेरे को जो है इसको कंफर्म कर देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है और इसको जो है फॉल्स कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, यानी कि मेरा जो नेटवर्क अडेप्टर है ये वाला वाईफाई जिसका नेम है, इसने इसको डिसेबल कर दिया है। इसने क्या किया, कमांड ने डिसेबल कर दिया। इस कमांड में जाके किसे वाईफाई को, यानी इसके अंदर नेम के अंदर ढूंढा इसने इसको और वाईफाई को डिसेबल कर दिया। तो देख लेते हैं एक बार डिसेबल हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल हो गया है, वाईफाई का अब ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको इनेबल करना है तो आप कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको इसी कमांड को दोबारा से टाइप कर देना है, बैक जाना है और डिसेबल की जगह आपको यहाँ पर लिख देना है इनेबल। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये कार्ड जो है इनेबल हो जाएगा। तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, इसका मतलब कि अब ये इनेबल हो चुका है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई जो है मेरे पास शो हो गया, इसका मतलब कि इस कमांड ने इस चीज़ को इनेबल कर दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप सभी ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।